अल्लाक uh, मेरा नाम डॉक्टर माद हसन है एंड आई एम आई कंसल्टेंट सकाइट्रिस्ट मेरी जो रेजिडेंसी है दैट इज़ फ्राम आर्म फ्रोस इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रावलपिंडी. आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है चाइल्ड हुड सेक्शुअल एब्यूज़ के बारे में जो बचपन के अंदर बच्चों के साथ कुछ एब्यूज़ किस्म के हो जाते हैं इस सिलसिले में हम लोग एक कैंपेन भी लॉन्च करें जिसका नाम है अब बस इस कैम्पेन के अंदर जितने भी अवामिल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे तो मेरा आपसे एक सवाल है क्या आपने कभी सोचा है कि जितने भी लोग चाइल्ड हुड की तरफ जाते हैं या बच्चों के साथ ज्यादी करते हैं क्या अवामिल हैं जो उनको इस हद तक लेकर जाते हैं इसके बारे में भी आज बात की जाएगी सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि एक बच्चे की जो शख्सियत है वो बनती कैसे है अगर हम साइकोलॉजिकली बात करें तो हमारे सामने एक बहुत ही रोशन मिसाल है जो जो कि हमारा एक जिसको हम फॉलो भी करते हैं उसका नाम है सिगम फ्राॅड एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट है उसने जितने भी जो हमारी शख्सियत है उसके तीन कंपोनेंट्स बुनियादी तौर पे बताए हैं उन तीन कंपोनेंट्स के अंदर जब भी कहीं पे खल्फशार पैदा होता है तो उसकी वजह से एक शख्स जो है उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के तकालीफ मुख्तलिफ की इल्लतें मुख्तलिफ किस्म की इलामात पैदा होना शुरू हो जाती हैं पहली पहला जो कंपोनेंट है वो इंस्टिंक्ट्स जिसको कहा जाता है आ, उसके ऊपर है जो कि हमारी जबिलतें हैं जो हमारे हम जब पैदा होते हैं हमारे साथ ही वो चीज़ मौजूद होती है जो दूसरा कंपोनेंट है जिसको एक माशरे के अंदर एथिकली भी कहा जाता है एक एथिकल कंपोनेंट भी है मोरालिटी के ऊपर भी उसका इन्हसार है इसके साथ साथ करके अगर हम देखें तो उस हमारे जो वालदे हैं उनका भी एक अहम किरदार होता है उस सेकंड कंपोनेंट को बनाने में और एक तीसरा उसका हिस्सा होता है जो कि एक रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है यानी हकीक़त के ऊपर काम किया जाता है उसमें और हकीकत का जो प्रिंसिपल है वो इन दोनों जो पहली वाली कंपोनेंट है और जो सेकेंड कम्पोनेट है इन दोनों के दरम्या में करके बैलेंस करता है यानी इनके अंदर जो तनाव है उसकी कैफ़ियत को कम करता है जब कभी भी इन दोनों कैफियात के अंदर कोई इम्बेलेंस uh, uh, पैदा होता है या, यानी उनके अंदर ऐसी कोई अवामिल पैदा हो जाते हैं कि वो uh, जो रियलिटी प्रिंसिपल है हकीकत के ऊपर वो बच्चा कोप नहीं कर पा रहा होता है उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा होता तो उसके नतीजे में उस बच्चे के अंदर शख्सियत में कुछ ऐसी uh, मसाइल पैदा होते हैं कि जब वो एक नॉर्मल uh, पर्सनैलिटी से हट कर एक ऐसी शख्सियत का रूप धार लेता है जो कि माशरे के लिए और उस शख्स के लिए भी नुकसान का बायस होती है इसकी बहुत सारी गैर फितरी सूरतें पाई जाती हैं मिसाल के तौर पे ऐसे भी लोग हमने देखे हैं जिन लोगों को एक एक नॉर्मल तरीके से जवानी के अंदर जो सेक्शुअलिटी है उसको अप्रोच करने की बजाय ऐसी चीज़ों की तरफ जाते हैं जो कि अननेचुरल हैं उसमें कुछ लोगों का रुझान जानवरों की तरफ होता है कुछ लोगों का रुझान जो है वो गैर फितरी चीज़ों की तरफ होता है इसी तरह उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका रुझान बच्चों की तरफ होता है जिनको हम पीडो भी कहते हैं अब ये ये जो इलतें हैं तमाम इनके जो अवामिल हैं ये बचपन में ही पाए जाते हैं इसलिए आज हम ये भी बात करेंगे कि किस तरह से माएँ और वालदे जो हैं वो अपने बच्चों को कैसे ट्रेन करें कैसे उनकी मदद करें कि वो इन तमाम चीज़ों के अंदर एक ऐसी शख्सियत के हामिल हो जाएं जो कि माशरे के लिए और हमारे मुल्क के लिए एक फ़ायदा मंद शख्सियत बन के उभरें अब हम दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं जिसके अंदर हम ये बात करेंगे कि वालदेन की क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं वालदे क्या क्या इसमें कर सकते हैं तो सबसे पहली तो बात यह है कि वालदे की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि एक बच्चा जब कभी भी वो उसकी नशो नुमा हो रही होती है उसकी पैदाइश होती है तो वो बच्चा जब भी वजूद में आता है तो वो कोई छोटी चीज़ नहीं है वो एक 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 मिशन है जिसके तहत वो वो बच्चा जो है वो एक दुनिया में आता है और वालदे को प्लान करना चाहिए कि हम लोग इसकी ट्रेनिंग कैसे करेंगे अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते इसके बारे में ग़ौर नहीं करते तो फिर चाहे दस बच्चे पैदा हो जाए चाहे ग्यारह हो जाएँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन अगर आप इसके ऊपर गौर करें अपने बच्चों की तरबियत के ऊपर तो आपको पता चलेगा कि जब कभी भी एक बच्चा रेज़ हो रहा होता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह कोई ना कोई मीनिंग कोई ना कोई उसके उसके अवामिल होते हैं हम जब पैदा होते हैं तो फितरी तौर के ऊपर हम लोग कुछ भी सीख के नहीं आ रहे होते बल्कि हम वही कुछ सीखते हैं जो कि हमें माशर सिखाता है जो हमारे वालदे सिखाते हैं जो हमारे तजुर्बात सिखाते हैं और फिर उसके बाद हम अपनी अक्ल से भी सीखते हैं जो कि हमें दोनों चीज़ों में जो मैंने पहली पहला कम्पोनेंट बताया और आखिरी वाला कम्पोनेंट इन दोनों में बैलेंस करने में मदद करते हैं इसके अलावा वालदे की यह ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को वक्त दीजिए इसके साथ-साथ साथ करके उनको समझें उनकी उनकी जो बातें हैं उनको उन सुने और उनको ख़ाम खा का तनकीद का निशाना मत बनाएं। अगर वो उसकी बात सुनेंगे उसको समझेंगे तो वो बच्चा ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा अगर उसको तमाम उसकी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं बचपन में उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो वो वो जो बच्चे हैं जब वो बड़े होते हैं तो उनके लाशर में वही चीज़ें बैठ जाती हैं जैसा रवैया वो अपने वालदे के साथ रखते थे वही रवैया वो, वो मुशरे के साथ भी रखेंगे जिस तरह का रवैया उनके वालदे ने उनके साथ रखा वो यही समझेंगे कि माशरा भी उनके साथ ऐसा ही सलूक कर रहा है ऐसे बच्चे जिनके वालदे में हम आहंगी पाई जाती है वो बच्चे बड़े होकर ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनते हैं तो तीसरी चीज़ ये कर सकते हैं वालदे कि आपस में घर के अंदर जो भी बातचीत हो उसको बाहमी मेल जोल के साथ और मफाहमत के साथ हल करें और चौथा चीज़ जो उसके अंदर आस्पेक्ट है वो ये कर सकते हैं कि अगर बच्चा डिस्टर्ब है बच्चा परेशान है झिझक रहा है स्कूल में दिलचस्पी नहीं रह रहा या फिर उस आपको ये महसूस हो रहा है कि बच्चा जो है वो नींद में बुड़बुड़ है अचानक खौफ से उसकी आंख खुल जाती है ऐसी तमाम हालात को नेगलेक्ट ना करें बल्कि आप उस बच्चे के साथ बैठें उसको तसली से उसके साथ बात करें और उसको बताइए कि आप ही उसके बेहतरीन दोस्त हैं और आप अगर उसके साथ ये बात करेंगे और उसके बाद फिर आप अगर सपोज़ वो बच्चा जो है वो आपको कुछ बता देता है तो उसके हल की तरफ जाइए और उसको खॉ मखा का तनकीद का निशाना ना बनाएँ और बाज़ूरतों में ऐसा भी होता है कि अगर कोई बच्चा परेशान हो जो जो कि ऐसी नाखुशगवार हालात से गुजरे तो उन बच्चों को चाइल्ड सकाइट्रिस्ट को भी दिखाने की ज़रूरत पड़ती है हमारे मुल्क में बहुत सारे चाइल्ड सकाइट्रस्ट भी मौजूद हैं और जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप उनको भी दिखा सकते हैं इसके अलावा आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से भी मदद ले सकते हैं लेकिन बच्चे के साथ सख्ती से मत निपटें तीन चीज़ें जो आप लोगों को बचा बचानी चाहिए अपने आप को जिस बच्चे के साथ जब भी आप डील कर रहे हो वो ये है सबसे पहले तो ये है कि आप उसको ख्वा का ज़्यादा उसके अंदर इमोशनल इन्वॉलमेंट ना करें यानी कि आप जज्बाती तौर पे बच्चे के अंदर खामखा के इन्वॉलमेंट ना हो दूसरा ऑस्पेक्ट यह है कि उसको खवा की तनकीद का निशाना ना बनाएं तीसरी चीज़ ये है कि उस बच्चे की जो भी जिंदगी है उस जिंदगी में उस वो जो भी कह रहा है जो भी अवामल उसके साथ गुजर रहे हैं आप उसको ब्लेम ना करें जब कभी भी हम बच्चे को ब्लेम करते हैं उसको इल्ज़ाम तराशी का सामना करना पड़ता है तो वो बच्चा वहाँ पे बिल्कुल अपने आप को गार्डेड कर लेता है वो अपने आप को कैद कर लेता है अपनी सोचों में और अपने अंदर ही अंदर कुड़ता रहता है और वही बच्चे बड़े होकर अपनी जो आदा, आदात हैं उनके ऊपर वो काबू नहीं पा सकते और फिर उन बच्चों के साथ भी ज़िंदगी के अंदर एक बड़ा ही अच्छा और मुफीद शहरी बनने की जो सलाहियतें हैं वो कम तर होती जाती हैं और वो जो जूँ ज़िंदगी के जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ते रहते हैं वो उस तरह से उनकी ज़िंदगी पीछे की तरफ़ जाना शुरू हो जाती है आखिर में हम लोग बात करेंगे कि एक बच्चा जो है जिसको खवा मखा के तनकीद का निशाना बनाया जाता है वो बड़ा होकर कैसे इन तमाम सूरत हाल में गिर जाता है मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर एक बच्चा है जिसकी उम्र तीन साल है और वो किसी भी इम्तहान में फ़ेल हो गया और अगर उसके घर वाले या उसके दोस्त अहबाब या उसके वालदे में से कुछ लोग अगर उसे ये कहते हैं कि तुम तो फेलियर हो तो हो सकता है वो बीच में कहे कि हाँ पचास फ़ीसद शायद मैं फ़ेल हूँ पचास फ़ीसद शायद वो गलत हों लेकिन आ, अगर उसके साथ यही वाक्य दोबारा रूनमा होता है तो वो बच्चा ये समझना शुरू हो जाता है कि हाँ जी वाकई ही मैं फेलियर हूँ और वाकई ही मैं एक लूज़र हूँ जो कि अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाता और जब वही बच्चा एक एक, एक आ, का प्रोफेशनल फील्ड में एंटर होता है जब अपनी रोज़ी रोटी कमाने की दौड़ धूप में है शामिल होता है तो वही बच्चा जो है वो बाद में जब कभी भी उसको नाकामी महसूस करनी पड़ती है या उसका सामना करना पड़ता है तो वो यही समझता है कि हाँ जी मैं तो फेलियर हूँ और फिर वो तरह तरह की उसके अंदर बीमारियाँ पैदा होती हैं जिसमें बिलखसूस डिप्रेशन का होना एंगजाइटी डिसऑर्डर्स का होना स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स का होना शामिल है आखिर में हम लोग यही कहना चाहेंगे आपको कि इस तमाम इन तमाम चीज़ों में जब कभी भी, भी आपका बच्चा घिरा हुआ हो तो आप लोगों ने इसको तनकीद का निशाना नहीं बनाना बल्कि आपने अहम जो सबसे अहम चीज़ है इसके अंदर वो ये है कि आपने इसके अंदर अजम करना है कि अब हम लोगों ने अपने बच्चों को मजीद इस एब्यूज़ का इस दरिंदगी का जो है वो शिकार नहीं होने देना अब बस